subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान मुख्तार भट्ट। जैसा कि आप कहें, मैं आजकल सारी दुनिया जो है कोरोना की वबा में मुब्तला है, जिससे इकोनॉमिक डिज़ास्टर जो है वो पैदा हो चुका है। बड़े बड़े एडवांस कंट्रीज, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो भी परेशान है। उन्होंने भी $3 ट्रिलियन जो हैं वो बजट पास किया है ताकि कोरोना के अफेक्ट को मदद की जा सके। पाकिस्तान ने भी वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया, और उनका ये ख्याल था कि इससे गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा परेशान होगा, डेली वेजर जो है वो परेशान होगा। इसलिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये गरीब लोगों में बांटे हैं, और 1.2 ट्रिलियन के करीब उन्होंने ये खर्च किया है, और मज़ीद इसमें पैसा इकट्ठा हो रहा है। वो चाहते हैं कि गरीब जो है इसको मतलब हर हालत में लुक आफ्टर करना है, क्योंकि ये मोस्ट अफेक्टेड है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि राशन भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये तमाम पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल जारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन दुनिया के अंदर 51,09,937 3,00,106 के करीब डेथ्स हो चुकी है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, 49,051 अफेक्टेड हैं, और तकरीबन 1,037 जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन देखने में आया है कि लॉकडाउन का ज़्यादा असर नहीं हुआ, और ग्राफ बिचारे नीचे आने के प्रिकॉशन लेने के ऊपर चलता जाना जा रहा है। खैर, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपको पता है नेट पे अवेलेबल है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि इसका इम्पेक्ट क्या हुआ है, और इसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं मेडिकल सतह के ऊपर, इसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो अफवाहें चल रही हैं, ये मैन मेड है, कोई इसको अल्लाह का अज़ाब करार देता है। और अगर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लोगों को अच्छा नहीं हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। इस हवाले से हमने आज दावत दी है जनाब डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ईसा लेबॉरटरीज़ के, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सारी दुनिया में इनका नाम है। पाकिस्तान में फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, और बेशुमार फंक्शंस जो हैं सोशल बहुत एक्टिविटी रहती है इनके यहाँ, और काफ़ी उस हिसाब से अल्लाह ताला के ऊपर बड़ा करम है इनका, और ये उस हवाले से काफ़ी मदद करते रहते हैं। कोई इनको वो नहीं है किसी किस्म की भी कि कोई पैसे बनाने की लालच नहीं है, ये खूब गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे बड़ा जो काम है ये सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है आजकल के ज़माने में, और चूंकि ये बेसिकली डॉक्टर हैं, जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर फरहान ईसा, और इनका माइक्रोबायोलॉजी में नाम है पाकिस्तान के अंदर, दे आर द पायनियर्स। इनके जो मरूफ फादर थे वो बहुत बड़े इसके वो थे पायनियर, उन्होंने फिर ये विरसे में छोड़ा है। आपने एमए पीएचडी किया हुआ है, पीएचडी भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है, तो हाईली क्वालिफाइड है। मेरे ख्याल में ये जो अफवाहें चलती रहती हैं उसके हवाले से लोगों के जो सवाल आते हैं उनके जहन में उनका ये जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, वेलकम द प्रोग्राम। आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल था, तो शुक्र है कि आप मेरे आज काबू आ गए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, और आप खुद भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये December 2019 में शुरू हुआ, इसलिए COVID-19 इसका नाम है। पाकिस्तान में फरवरी से शुरू हुआ, और
चीन से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता ईरान और पाकिस्तान और फिर सारी दुनिया में फैल गया और अब तकरीबन 200 ममालिक में है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा है कि इसके ऊपर जो बैरून मुल्क लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, थोड़ा उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और जो लॉकडाउन किया था उसमें बतदरीज कमी करते जा रहे हैं। उन्होंने होटल भी खोल दिए हैं, पार्क भी खोल दिए हैं और पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन जो है, वज़ीर-ए-आज़म तो जैसे मैंने शुरू में कहा खिलाफ थे, उनको कम किया है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्कों में जो फ़र्क आया है वो ये है कि वहाँ ग्राफ जो है वो नीचे गया है, तो इसलिए उन्होंने लॉकडाउन में कमी की है। तो हमारे यहाँ जबकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, फुकदान है, तो ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, तो आप हुकूमत के इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, थैंक यू, आपने एक तो अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक पे बात करने की। मेरी फील्ड भी यही है, मैं मेडिकल डॉक्टर के साथ जो है इन्फेक्शन डिजीज़ का प्रोफेसर हूँ। बेसिकली देखें, सिचुएशन ये है कि एक तो नंबर्स हमारे पास जो अब बढ़ रहे हैं ना, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि बहुत प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और नंबर ऑफ टेस्ट जो पहले नहीं हो रहे थे वो नंबर ऑफ टेस्ट की मकदार जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि अब तशखीस ज़्यादा हो रही है इसलिए भी नंबर नज़र आ रहे हैं हमें ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि फैल ज़्यादा रहा था और नंबर्स बढ़ गए, तो पहले तो मैं ये गुजारिश आपके सामने कहता चलूँ। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी आपको पता है कि 2 महीने से हमारे पास लॉकडाउन हो रहा था और 2 महीने से लॉकडाउन था, कोई स्मार्ट लॉकडाउन था, कहीं पे पार्शियल लॉकडाउन था, ये नई नई जो टर्म्स थी जो यूज़ हो रही थी डिफरेंट सिटीज़ या सूबों में पाकिस्तान के। लेकिन अब जाहिर है कि 2 महीने से ज़्यादा तकरीबन टाइम हो गया है और हमारे पास इतनी रिच कंट्री नहीं है पाकिस्तान जिसमें इंटरनेशनली जैसे वो घर पे बैठे, दो चैलेंजेस हैं एक्चुअली। एक तो पहली बात है कि इतनी रिच नहीं है कि वो घर में बैठ के सबको पैसे दे सके। कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट कि वो सबको घर पे राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे और वो पैसे भी पहुंचा दे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास सारे टैक्स पेयर्स उस हिसाब से नहीं है पाकिस्तान में जिसे किसी को गवर्नमेंट को पता चल सके कि बिज़नेस कितना बड़ा था और टैक्स कितना लोग देते थे कि उसके मकदार के मुताबिक जो है वो पे किया जाए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में हो रहा था। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि कहते हैं ना फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर के बीच में थे, तो मेरे ख्याल से अब सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को एहतियाती लोगों के लिए जो चीज़ें खोली हैं वो भी ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिकली पहिया चलना भी ज़रूरी है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं और ये मेरे ख्याल से सही है फैसला। लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा ये ख्याल करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की बात ये नहीं है कि अगर वो उन्होंने दुकानें खोली हैं तो पूरा ख़ानदान, छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप और सब जो हैं वो शॉपिंग पे निकल जाएं या वो घूमने फिरने निकल जाएं, इसका कतन मतलब ये नहीं है। ये कंट्रोल्ड लॉकडाउन को खोला गया है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कपड़े ख़रीदने हैं, चाहे वो ईद के क्यों ना सही हो, या गोश्त ख़रीदना है, या शॉपिंग करने जानी है, किसी भी ग्रोसरी करने जाना है, तो सिर्फ कंसर्न शख्स जो है वो जाए और सब ना जाएँ। अगर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल जैसे रूल्स बना दिए हैं रोड्स के ऊपर ट्रैफिक किस वक्त चलेगा, तो आप में तो किसी भी कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो ट्रक के सामने खड़ा हो जाए कि भाई ये तो हम बच जाएंगे। तो ख़ुद से अपने आप को रिस्क में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवज्जो से कि लोगों को खुद ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को सही तरह से साफ रखना। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इसमें जो आवाम का है वो भी बड़ा एक रोल जो है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। लेकिन आपने प्रैक्टिकली जो चीज़ देखी होगी, जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कहीं बंद थे लोग और एकदम वो आ गए हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी सोशल डिस्टेंस। ये गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्शन जो है ये डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 70% आपके जो लोग जो है वो इलिटरेट हैं, वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि जो मामूली साहब जो आपने बिल्कुल सही की है कि एक आदमी जाने के बजाय पूरी पूरी फैमिली जा रही है और कोई डिस्टेंस मेजर कोई नहीं है, मास्क किसी ने नहीं पहने हुए हैं। तो मतलब यह है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना पैसे बांट सकती है, और दूसरी तरफ आवाम जो है वो भी मतलब इस मूड में नहीं है कि वो हुकूमत के अहकाम पर अमल करे। तो व्हाट शुड बी डन, मतलब हमें इस तरह से गवर्नमेंट को ऐसे क्या मेजर्स इख्तियार करने चाहिए कि ये जो गदर मच गया है लॉकडाउन के बाद ईद तक जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, इसको कैसे कंट्रोल करें?
देखिए, बहुत आपका अच्छा सवाल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे पास जो बेचारे हमारे जितना भी जो अर्निंग का वाला तबका था, जो जॉब्स करते थे या जो दुकानदार थे, वो बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में आ चुके हैं। देखिए, अब सिचुएशन ये कि हम जब तक के कौम नहीं बनेंगे और वो भी जिम्मेदार कौम नहीं बनेंगे तो ये काम हो नहीं सकता। देखिए ना, जैसे अब हम किसको ब्लेम करें? अगर सिग्नल पे रेड होता है, लोग सिग्नल को तोड़ते हैं, तो क्या गवर्नमेंट की फॉल्ट है ये? मैं तो देखें कोई गवर्नमेंट में काम नहीं करता, लेकिन हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग डालते हैं और हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हम अपना रोल अदा नहीं करते। तो बेसिकली मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि दुकानें जो हैं वो खुलनी भी चाहिए, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए थे और बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में भी चीज़ें फ़ेज़ वाइज खुलना शुरू हुई हैं कि फेज़ 1, फेज़ 2, फिर फेज़ 2 अगर सक्सेसफुल हो गया तो फेज़ 3। तो ये एक प्रोसेस के साथ होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आपकी बात को जहन में रखते हुए, और बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा ज़रूर होने चाहिए जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और जो यूनियन काउंसिल्स तक जो हैं लोकल डिवॉल्व लेवल तक वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने चाहिए, इन्फेक्शन डिजीज के जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, एंटीबायोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट स्टडीज़ के होते हैं, बोटैनिस्ट प्लांट स्टडीज़ के, वेटनेरियंस, फिजिशियंस, इकोनॉमिस्ट, और जो है वो बिजनेस की तरफ से भी, बॉडीज़ की तरफ से भी लोग होने चाहिए और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। और ये कंसेंसस डिसीजन होना चाहिए कि हमें कैसे चलना है और क्या इकदाम इसमें करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक गैप ही आता है कि ओनरशिप नहीं होती लोगों की जब कोई फैसला किया जाता है। जब लॉकडाउन का फैसला हुआ तो भी ओनरशिप नहीं थी, उस वक्त भी लोग बाहर निकल रहे थे, और उसके बाद जब अब लॉकडाउन को ईज आउट किया हुआ है तो लोग आउट ऑफ कंट्रोल बाहर निकल रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये देखें, ये चीज़ जो है ना, ये वे टाइम आती है, ये हम जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली ये आनी थी, क्योंकि एक तो लिटरेसी लेवल जैसे आपने खुद फरमाया, और सेकेंडली ये है कि हम कौम की तरह भी उभर के नहीं आए, हमें हकूक़ लिबाद का ख्याल नहीं है, यहाँ तो इन्फेक्टेड लोग भी दूसरों में घूम रहे हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ एक दिन में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकती है। अब करना क्या चाहिए? अब सिचुएशन ये है कि अब तो लॉकडाउन एक्चुअली खुल भी चुका है, और अब हमने ये करना चाहिए कि हम ये फैसला नहीं कर सकते करना चाहिए कि अब खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अब ये हो चुका है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी सामने आ चुके हैं, और हमारे पास रिलीजियस फर्वर भी है और मसाजिद के मौलवी और इमाम जो हैं वो भी ज़ाहिर इंटरेस्टेड हैं। अब हमने देखना है कि इस सिचुएशन को हम कैसे बेहतर देख के चल सकते हैं। तो ये जो अब फैसले हो चुके हैं उसके हिसाब से मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि अगर घर में इबादत की जाएं तो बेहतर है, अगर कोई इन्फेक्शन किसी के अंदर डॉक्टर साहब हुआ है ज़रा, यहाँ हम डॉक्टर साहब वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फिर वापस आएंगे, और वापस आने के बाद आपको एक सवाल छोड़ जाता हूँ, वो ये है कि US का ये कहना है कि ये जो वायरस है ये चीन ने फैलाया है मैन मेड, जबकि जो सारी दुनिया में एक बात है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, तो आप एज ए डॉक्टर इसको कैसे देखते हैं? अगर ये मैन मेड है तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर साल हा चलता रहेगा, क्योंकि मैन मेड है, वो जहाँ चाहेंगे उसको स्प्रेड कर देंगे, तो ये पेंडेमिक है, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। अभी हमारा वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और यही से सवाल शुरू करेंगे जहाँ से हमने सिलसिला जोड़ा। वेलकम बैक डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि ये क्या मैनमेड है या अल्लाह की तरफ से अजाब है, अगर मैनमेड है तो ये पेंडेमिक है, फिर इसका तो मतलब ये है कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं बताता चलूँ कि पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक तो वो बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, और जैसे WHO ने अनाउंस किया इसको कि ये पेंडेमिक है, तो ये तो पेंडेमिक होना एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, आपने ये बात की कि ये मैन मेड है, कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, नेचुरल है, दैट इज़ ना। तो देखें, अभी तो ये कहना बहुत कबल इस वक्त होगा कि ये नेचुरल है कि ये मैन मेड है, लगता तो फ़िलहाल ये नेचुरल ही है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता चलूँ कि एक न्यूट्रल बात कहता चलूँ कि ये ज़रूर पॉसिबल है कि ये फैलाया भी जा सकता हो या जरासीम फैलाए जा सकते हैं,
इसके ऊपर जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अरसे से गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान को भी कहते हैं, हर जगह पे गवर्नमेंट को कहते रहे हैं ये ऐसा पॉसिबल अलबत्ता है ज़रूर, और ये पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाले करंट पेंडेमिक की मैं बात नहीं कर रहा बल्कि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों का नुकसान करना चाहती हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम लोगों को दुख, हम एज अ मेडिकल डॉक्टर तो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हमारे लिए तो हर जान को बचाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब जो है ना इंटरनेशनली प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं वो कहलाते हैं बायो सेफ्टी और एंड बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो कि बायो टेररिज्म को डील कर सकते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट और केमिकल वॉरफेयर भी होती है, बहुत सिंगापुर में, चाइना, बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हो चुकी है, फ्रांस में और जगह पे, तो इसके ऊपर एक अटेंशन ज़रूर देनी चाहिए। आपकी बात को आगे चलाते हुए ये तो 3-4 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा किसको हुआ, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पोस्ट कोरोना दुनिया भी चेंज होगी। जैसे अब डिजिटल दुनिया ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बेहतर होता चला गया है, ओजोन लेयर जो है वो इम्प्रूव हो गई है, ये जितनी गाड़ियों, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और गाड़ियों का व्हीकल का पोल्यूशन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बन रही थी, आपको बताता चलूँ सिर्फ पाकिस्तान में 15,000 से 40,000 बच्चे जो हैं उनको, छोटे बच्चों को एजमा और दम्मे की बीमारी हो गई थी इस पोल्यूशन से, 5 से 10 हज़ार बच्चे प्री मिच्योर डिलीवरीज हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास डेटा कंक्लूसिव नहीं होता, क्योंकि हर एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 60% तो अतायत हो रही है, तो ये डेटा को मैं इसकी फिगर्स नहीं दे सकता, लेकिन आपको जस्ट टू टेल यू कि इतनी बच्चों की प्री मिच्योर डिलीवरी बेचारी औरतों की हो रही है, जिसमें बच्चों की अनामवाद भी हो रही है, न्यूनेटल मोर्टैलिटी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो ये एक चैलेंज ज़रूर है और इसके ऊपर एनालिसिस होना चाहिए। फिर ये वायरस जो है ना अपनी शक्ल भी चेंज करता है, ये पाकिस्तान में जो ये वायरस आया है ये तकरीबन 9 म्यूटेशंस इसमें हो चुकी हैं जो साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के डिस्कवर किया, जिसमें प्रोफेसर अताउर रहमान जैसे साइंटिस्ट भी शामिल थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी ये कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है कि ये खुद से फैला है या ये फैलाया गया है, लेकिन अलबत्ता इसका इम्कान ज़रूर मौजूद है कि ऐसा अभी नहीं तो आइंदा वक्तों में हो ज़रूर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ जो है उन्होंने तो ये कहा है पेंडेमिक है और इसका अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में मतलब बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि हमने ये दवाई इसकी ढूंढी है, हमने ये इसकी दवाई ढूंढी है, और वो ऐसे ऐसे नुस्खे पेश कर रहे हैं कि आदमी जो है वो कन्फ्यूज़ होकर रह गया डॉक्टर साहब के इसके ऊपर अमल करे या ना करे, और वो गारंटी देते हैं। एक सना मक्की एक वो मटेरियल आ गया लंदन में, डॉक्टर साहब ने कहा है, वो उनकी वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने तमाम पेशेंट को ट्रीट किया है, कोई अनार का शरबत दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो आप एज ए डॉक्टर जो हैं, हमारे यहाँ चूँकि तालीम नहीं है और डॉक्टरों की जो फीसें हैं और जो ट्रीटमेंट हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी बहुत आम आदमी की रीच में नहीं है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस, तो उस हालत में तो फिर लोग जो हैं वो इस तरह के टूने टोटके हैं उसके ऊपर आगे वो गुजारा करते हैं, तो उसमें तो नुकसान भी हो सकता है। तो अभी तो उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ये कहा है कि हमने अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं की है, और इसकी वैक्सीन अगर तैयार होती भी है तो बाई एंड दिस ईयर जाकर कुछ होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो डॉक्टर्स आगे दे रहे यार, क्योंकि मैं 12 साल से फलाने हॉपकिन यूनिवर्सिटी में फलाना प्रोफेसर हूँ, और इस तरह के आपने भी देखा होगा वायरल हो रही हैं फिल्में, तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए या इसको फिर ऐसी खुला छोड़ दें ताकि लोग जो हैं मुख्तलिफ दवाइयाँ आजमाएँ और अल्लाह मियाँ को वक्त से पहले प्यारे हो जाएँ। देखें, पहली बात यह है कि नहीं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है, और देखिए हमारे पास देखिए सबसे पहले तो जब भी हमें कोई इलाज करना चाहिए ना, तो वो किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक मुस्तैद डॉक्टर से एडवाइस लेके ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो आप तो उनकी बात कर रहे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतने लेस फॉर्चुनेट हैं, बल्कि मैं आपको बताऊँगा जो वेल टू डू लोग भी हैं वो भी डॉक्टर की एडवाइस देते, और वो तो है वो क्या कहते हैं वो इन पे इन चीज़ों के हिसाब से जो वायरल हो रही होती हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, उस पे बिलीव करते हैं।
लेकिन एक बात मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊं, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुवते वायरस का इलाज करना, ये जो पर्टिकुलर कोरोना है या कोविड 19 का है, सार्स कोवी 2, वो एक अलग कहानी है। लेकिन देखें, एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जैसे वो इलाज तो नहीं है लेकिन क्योंकि कुव्वते मुताफियत बेहतर हो जाती है तो बहुत सारे जरासीमों से जो है वो बॉडी स्ट्रांग हो जाती है जो कि उससे वो जिस पे असर नहीं करते। ये वायरस भी 30-35%, इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि 30-35% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये वायरस मौजूद होगा लेकिन कोई अलामत नहीं होंगी, लेकिन वो लोगों को दूसरों को इन्फेक्शन ज़रूर दे सकते हैं लेकिन उनके अंदर खुद कोई ऐसी अलामत नहीं होंगी। 50-60% लोग ऐसे हैं जिनको हंसला सा नज़ला, ज़ुकाम खांसी बुखार, बॉडी में दर्द होगा और वो पैरासीटामोल पैनाडोल लेंगे, दो दिन में ठीक हो जाएंगे, जैसे हर एक का सीजनल एक तरह से बुखार चढ़ जाता है वो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे या 10% जो हॉस्पिटल जिनको जाना पड़ेगा, और उसमें से 2-3% जो सीरियस होंगे वो लोग हैं जो जिनके पास अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रही है, ब्लड प्रेशर चल रहा है, दूसरी एजमा है या एज है उनकी ज़्यादा, तो वो लोग जो है ना वो ससेप्टेबल होंगे। अब ये मैं बताना क्यों चाह रहा था आपको कि उसमें ज़रूरी ये है कि चैलेंज ये आता है कि बॉडी की अगर इम्यूनिटी बेहतर करी जाए तो बहुत सारे वायरसेस से और दूसरी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको अभी गुजारिश कर रहा था कि जैसे वाइटामिन सी है, अगर वाइटामिन सी ली जाती है तो कुव्वत मुदाफियत बेहतर हो जाती है। अब वाइटामिन सी नेचुरल भी मिलती है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, आजकल फालसे भी आए हुए हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई हैं, तो ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कुव्वत मुदाफियत बेहतर करता है। मैं आपको सिंपल से चीज़ें बताता हूँ कि जो कि चीज़ें बेहतर कर सकती हैं। अब इसी तरह से अगर नींद 8 घंटे ली जाए तो वो बॉडी को रिपेयर मेंटेनेंस होती है, ज़रूरी है कि 7-8 घंटे ली जाए और वो बॉडी और जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। पानी अगर 2-3 लीटर पिया जाए वो भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, और वो जो है इतना पानी पीना चाहिए बल्कि कि पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का था येलो हो, बिल्कुल डार्क कलर्ड या झाग ना बन रही हो। एक्सरसाइज 45 मिनट्स आप करें तो भी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अगर घर में लोग लॉकडाउन में सीढ़ियाँ चढ़ें अपने घर में या पुशअप्स करें घर के अंदर, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ग्रीन टी का इस्तेमाल है, कलौंजी हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये जो पत्ते की बात कर रहे हैं आप ये भी बिल्कुल, और जो है लौंग हो गई, ये सब इंग्रेडिएंट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो बेसिकली इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, और इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं तो बीमारी कोई भी होगी उससे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन ये अभी कोई इलाज नहीं है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, इलाज इसका नहीं है। बेसिकली हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे भी। अब जैसे हाथ साफ करने की बात हुई थी कि हाथ को साफ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सब वो चीज़ें जो आपने आपने देखा होगा कि टेस्टिंग किट्स जो हैं चाइना से काफ़ी आई हैं और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पैसा खर्च किया है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व किया है कि कोरोना सेंटर में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ एक दफ़ा बंदा जब पहुँच जाता है तो वो फिर अल्लाह के रहम करम पे होता है, डॉक्टर के रहम करम पे नहीं होता। तो ये जो परसेप्शन डेवलप हो गया है कि अंदर तो चला जाता है, बाहर आने के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, रुपया खर्च करना पड़ता है और उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट जो कहती है जी हमने 500 अरब रुपया खर्च कर दिया, कुछ सूबे कहते हैं हमने 20 अरब रुपया खर्च कर दिया, तो ये पैसा जो है वह कहाँ पर खर्च हो रहा है? जो सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं तो इट गिव्स वेरी पैथेटिक स्टेट अबाउट द हॉस्पिटल कंडीशंस, क्वारंटाइन सेंटर्स। तो ये तो मतलब ये है कि इससे तो मजीद बीमारी फैलने का देशा है, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, वहाँ पे सफाई का फुकदान है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो चार्जेस आ रहे हैं, जो वीडियोज आ रही हैं, ये जाहिर है ये गलत तो नहीं है? जैसे आपने खुद कहा कि डॉक्टर का काम होता है जान बचाना, उसको एक मसीहा के तौर पर देखा जाता है। वो कहते हैं कि डॉक्टर जब इसको बुलाया जाए, मरीज को देखे, अगर वो मरीज को कहे भाई आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, तो 50% उसका जो है प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाता है, बीमारी ख़त्म हो जाती है अच्छी बात करने से, अच्छी गुफ्तगु करने से। भाई आप तो दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, आप दवाइयाँ कम कर दें। हमारे यहाँ जो परसेप्शन डेवलप हो गया है, हमारे डॉक्टर भी गरीब हलाक हुए हैं इसके अंदर कोरोना वायरस में, लेकिन जो रेपुटेशन है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की, वो बड़ी पैथेटिक है। तो आप एज ए डॉक्टर
क्या आपने भी कोई कोरोना टेस्ट वगैरह किए हैं अपनी लेबोरेटरीज में? अगर किए हैं तो उस पर थोड़ी रोशनी। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम लोग जो है ना बेसिकली बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो जाता है ना, और हम जाहिर परसेप्शन जो वही वाली बात है कि आजकल पूरा परसेप्शन सोशल मीडिया बना रहा होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में बना है, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची एक्सपो में जो बना है, उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। बल्कि इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको उसकी चीज़ें भी भेजूंगा, बल्कि आप विजिट भी करें। आई थिंक इट इज़ अ मॉडल सेंटर नॉट ओनली फॉर कराची, नॉट ओनली फॉर सिंध, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उसका एक मुकाम बन गया है कि जितना वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पे अकेला फील्ड आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे कराची वाला जो है, कम से कम उसके बारे में तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो 1200 बेडेड है, आर्मी की निगरानी में चल रहा है, और उसके अंदर ऐसी परफेक्ट अरेंजमेंट्स हैं, और पीपीज और WHO स्टैंडर्ड्स पे खाना भी 3 ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं, सैलानी वेलफेयर, आलमगीर। डॉक्टर साहब, टॉयलेट्स कितने हैं उसके अंदर? टॉयलेट्स कितने हैं एज पर रिक्वायरमेंट है? बल्कि उसकी जो ज़्यादा जो बल्कि जो टॉयलेट्स कम भी जो थे ना, वो बाहर से लाके बदर एक्सपो वाले जो लोग हैं उनके कंटेनर सिटी बना दी गई है कि वहाँ पे ना सिर्फ के बाथरूम्स को ऐड किया गया, बल्कि वहाँ पे डॉक्टरों के रहने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इसमें स्काउट्स भी इन्वॉल्व हैं कराची वाले पे, रेड क्रेसेंट भी इन्वॉल्व है, हमारी डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है एज आर कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। तो कराची एक्सपो का के अंदर तो बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है, और मैं सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहूँगा कि उसको 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड इन्फेक्टेड एरिया है, ग्रीन जो बिल्कुल विदाउट इन्फेक्शन है, वहाँ पर सारे कैमरे लगे हुए हैं। बल्कि ये वो वाहिद सेंटर है जो मीडिया को खुद बुला रहा है, और अब लीडिंग TV चैनल्स में उसका बहुत बड़ा उसने आके खुद भी विटनेस किया है, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपके मैं बता देता हूँ, जाहिर है जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि सारे अच्छे चल रहे हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास देखिए दो चीज़ों में डिवाइड कर लें, एक है क्वारंटीन सेंटर और एक है आइसोलेशन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर वो है जो कि सस्पेक्टेड केसेस हैं उनके लिए बनाया जाता है, और आइसोलेशन सेंटर वो है जो कंफर्म पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये जो है सारे पूरे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना कि हेल्थ के बहुत डिजास्टर रहा है हमारी हेल्थ, बल्कि 70% हेल्थ जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। चलो महंगा सही, लेकिन वो डिलीवरी फिर भी कर देता है। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में ये अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में काम इतना नहीं हो सका, और ख़ासतौर पे इंटीरियर ऑफ पंजाब हो जाए या सिंध हो जाए या बलोचिस्तान हो जाए या KPK हो जाए या गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और मैं आपकी बात को सेकेंड ये कहता चलूँगा कि जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे बिल्कुल अटेंशन होनी भी चाहिए, ओपन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कॉन्फिडेंटली कहा, जबकि मैं उसका हेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंटली इन्वाइट कर रहा हूँ वहाँ पे, उसी तरह से सारे सेंटर्स में होना चाहिए। और इसकी ओपन डोर पॉलिसी ग्रीन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लोग वहाँ पे सेटिस्फाइड हों, और आई थिंक अभी काम करने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल लोगों को शिकायतें कुछ सेंटर्स से आ रही हैं, और उनका बिल्कुल अजाला होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है, अभी थोड़ा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर आते हैं और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी क्वारंटाइन सेंटर्स की। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो कराची सेंटर है 1000 पेशेंट्स के लिए, वो स्टेट ऑफ द आर्ट का है, और पर मेरा ख्याल है चूँकि उसको आर्मी मेंटेन कर रही है, तो इसलिए इट हैज़ टू बी अ गुड स्टैंडर्ड, क्योंकि उनका अपना एक SOP है जिसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो बाकी जो शहरों में हैं, जो बड़े बड़े शहरों में हैं, उसके ऊपर तो खैर लोगों को बड़ी शिकायत है, और टेस्टिंग किट के हवाले से भी लोगों को शिकायत हैं। दरअसल सवाल ये है कि जब ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी इम्पोज होंगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये नीचे आने का इसका चांस है, या ये एकदम शूट अप करेगा? और अगर ये शूट अप तक, तो हुकूमत जो है, ये जो बीमार लोग होंगे उनको संभालने की कैपेसिटी है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हालात जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं आगे, और अब हमने
कोरोना के साथ जिंदा रहना है, जीना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिन जो हैं वो तो बड़े मुश्किल होंगे, और हुकूमत जो है उसके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो, मतलब ये है कि नोट छाप छाप के बांटे। एक माशी माहिर माशी हुकूमत को चाहिए कि 350 अरब रुपये के नोट छाप के और गरीबों में बांट दें और इसको मतलब कंट्रोल करें, मतलब ये जो बीमारी है। लेकिन ये अगर बीमारी एक किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत फैलाई गई है, आपस में सुपर पावर्स के आपस में माशी अहदाफ हासिल करने के लिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोल में नहीं आ सकती और कंट्रोल से बाहर होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी वाजह हो गई है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, तो इसलिए वी शुड ऑल बी प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ्स टू फर्दर एनहांस दी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, जो कि पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अभी भी आप तो माशाल्लाह एक बड़े शहर में रहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हालत है हमारे अस्पतालों की। एम्बुलेंस नहीं है, चारपाइयों पे मरीजों को अभी भी लेके आया जा रहा है, और इंटीरियर में तो बहुत बुरा, वहाँ पे तो किसी को पूछने वाला नहीं है। हम सिर्फ तनकीद करते हैं, अब ख़ास तौर पर सिंध ने, और जो मरकज़ में रसाकशी चल रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ना पीटीआई का नुकसान हो रहा है, ना पीपीपी का नुकसान हो रहा है, नुकसान अवाम का हो रहा है। तो ये सोच कब पैदा होगी हमारे हुक्मरानों में, और इसको फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वैक्सीन तो आनी है एक साल के बाद, दिसंबर में आखिर में जनवरी फरवरी तक बात चली जाएगी। तो एज ए डॉक्टर, व्हाट डू यू प्रपोज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली सिंध गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन? मामला भी चलते रहे, लोग भूखे भी ना मरे, कारोबार ज़िंदगी भी चलता रहे और मुल्क भी तरक्की करता रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, आपका काफ़ी लंबा अच्छा, मतलब काफ़ी पॉइंट्स हैं आपके सवाल में। पहले तो आपने कहा ना टेस्टिंग किट्स और उनके जो एरर्स आ रहे हैं, देखिए सिचुएशन ये आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो सबको, पहले तो वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने उनको PCR किट्स और मशीनें प्रोवाइड तो कर दी ना, लेकिन उसके जो ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होता है, जिसको साल लगते हैं ट्रेन होने के लिए, वो टेक्नीशियंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए। अब पहले तो कुछ अरसे पहले, 4-5 साल पहले तो इतने हालात ख़राब थे कि हमारा ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा हो गया और लोग मुल्क से बाहर बहुत चले गए, ख़ासतौर पर डॉक्टर साहिबान। तो अनफॉर्चुनेटली जब सिर्फ मशीन से काम नहीं चलता, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होती हैं, और अब वो डेवलप हो रही हैं, और उसी वजह से कुछ रिजल्ट जहाँ पे ये काम पहले नहीं हुआ था और एकदम से मॉलिकुलर पैथोलॉजी का काम आ गया, जो कि बहुत ही एडवांस्ड है, तो वहाँ पे उनको एक टेक्निकल चैलेंजेस आए। लेकिन आई थिंक ये आने ही थे, क्योंकि हम 20 साल का काम जो है वो दिनों में करना चाह रहे थे और वो हो नहीं सकता था, क्योंकि इसकी पहले तो प्लानिंग हुई नहीं थी। लेकिन जो ऐसे तो प्रॉपर कंट्रीज तो पहले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लान करती हैं, तो एनी वेज अब वो चीज़ें आ गई हैं, और आई थिंक कि ये हर क्लाउड के साथ एक सिल्वर लाइनिंग होती है। वेंटिलेटर्स भी मंगवा लिए गए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमिटी है पाकिस्तान लेवल पे जो काम कर रही है, NCOC, वो भी मेहनत कर रही है, उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं, और उसकी वजह से हुआ ये कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, या वो होते हैं ना मैं ना मानूँ वाले, वो भी लाइन अप हो गए हैं, और आई थिंक कि सब अब तकरीबन 90% तो सब एक पेज पर आ गए हैं। सो आई थिंक ये अब एक कौमी दायरे के तरह से, एक मिशन के हिसाब से और आवाम के हिसाब से सोचना कुछ बहुत शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, 90% एक पेज पे कहाँ से आ गए हैं? आप ये कहें कि 10% आ गए हैं, आपका जो फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी है, विद इन ए शॉर्ट स्पैन 4 चेंज हो चुके हैं। देखिए मैं वो आपसे बिल्कुल सही, दुनिया में ऐसे होता है, एक तरफ एक कोरोना वायरस चल रहा है, तबाही हो रही है, लोग मर रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, इधर आप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी कौन होना चाहिए, वो सेटल नहीं होता, वो उसका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाता है, दूसरा सेटल नहीं होता, अभी तक 4 चेंज हो चुके हैं डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये है कि कोई देर इज नो कंट्रोल सर, किसी को परवाह ही नहीं है अवाम की, ये जिन्होंने कंट्रोल करना है, जिन्होंने दवाइयाँ मंगानी है, जिन्होंने हस्पताल का इंतजाम देखना है, उसका जो बॉस है उसको समझ ही नहीं आती है, वो दफ्तर सुबह आएगा शाम को घर जाएगा या फिर दोबारा किसी और जगह जाएगा, आप कैसे देखते हैं?
आपका जो जो जज आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो फीलिंग है, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ज़ाहिर है जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं बसते हैं उनकी ऐसी ही सिमिलर फीलिंग्स हैं जिनके आप तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं तो एज ए न्यूट्रल आपको देखें, इसमें हमारी जो कंट्री की बेसिकली इसकी जो फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, मसलन अभी एक क्या हुआ है कि जैसे आपने जिक्र किया फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी का, तो बेसिकली आप फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी की जो से है वो बहुत कम रह गई है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट जो हुई थी उस वक्त हेल्थ जो है वो सूबों को डिवॉल्व कर दी गई थी और एजुकेशन भी सूबों को डिवॉल्व कर दिया गया था, और वो काम बिल्कुल डेवोल्यूशन जो है डॉक्टर साहब 18th अमेंडमेंट का मतलब 18th अमेंडमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की जानों के साथ खेल सकते हैं सर, ऐसी कोई कहानी नहीं है। 18th अमेंडमेंट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अस्पताल आपको करेंगे, आप दवाइयां नहीं देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये है, जैसे मैंने आपसे आप ही की बात को सेकंड करते हुए चलूंगा कि जो मैंने आपसे उस वक्त गुजारिश करी थी ना कि हमें पाकिस्तान लेवल पे इदारा चाहिए, जिसमें मैंने आपको एक बोर्ड भी बताया था जो तश्कील होना चाहिए, जो कि जिसकी पॉलिसीज और जिसमें अच्छा होनी चाहिए। अब आप मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। देखिए सिचुएशन ये आती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये मेरे स्कोप से ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी रहा हूँ और मैं थोड़ा सा आपसे ये गुजारिश करता रहूँ कि बेसिकली देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और 18th अमेंडमेंट में सूबों का प्रेरोगेटिव है और सूबों ने ये चलाना है, चाहे हमें अच्छा लगे या चाहे अच्छा ना लगे। अब बल्कि तो सूबों का जो है, सूबे अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो जो टीम होती है ना वो डेवलप करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एक के मोटिव्स अलग होते हैं और ऐसी क्राइसिस के लिए ट्रेनिंग होना और इसके अंदर जो खाली जो ये जो इस मैंने थे आपसे गुजारिश करी कि बायोसेफ्टी, बायो सिक्योरिटी, बायोटेररिज्म के प्रोटोकॉल्स बनाना और उनको कैसे हैंडल करना है, ये एक एक्सपीरियंस की और एक्सपर्टीज की चीज़ है। तो आई थिंक ये मेरे स्कोप से ज़्यादा है, ये आप सही कह रहे हैं कि और बेहतर काम ज़रूर होना चाहिए, और गवर्नमेंट को और चाहे जो सिविलियंस हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे हमारी आर्म फोर्सेज जो सबसे ऑर्गेनाइज है, सबको मिलके इसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने देखा होगा कि इसकी जो कोरोना की टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, अगर कोई सरकारी अस्पतालों से कराते हैं तो वो पॉजिटिव होती हैं ज़्यादातर, और अगर वो प्राइवेट क्लिनिक से कराई जाए हैं तो वो नेगेटिव होती हैं। सर किट जो है वो तो झूठ नहीं बोल सकती, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव होगा। तो ये जो सिलसिला है जो पेशेंट्स को ज़बरदस्ती, एक आदमी बता रहा था कि वो उनको मतलब प्रॉब्लम था, 10-12 साल से बीमार थे, लिवर का प्रॉब्लम था, उसको बोला कि नहीं ये कोरोना से मरा है, तो इसका सत्यापन कौन करेगा? ये जो जाली पैसे लेके पेशेंट्स को कोरोना बना देते हैं और नॉन कोरोना बना देते हैं, इसको कोई रोकने का कोई आपके जहन में कोई सिस्टम है, कोई ऐसा मतलब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो यू शुड बी नोइंग इट बेटर। देखिए अभी फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि सूबों के अंदर जो है वो हेल्थ केयर कमीशन बन गए। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो अब सिंध हेल्थ केयर कमीशन बन गया है। पहले अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था कि जिसका दिल चाहे वो लैब खोल ले या हॉस्पिटल खोल ले या क्लिनिक खोल ले, कोई पूछने वाला नहीं था, देर वॉज नो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। और अब जो है सिंध में जैसे सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो उनका काम है, उनका काम होता है रजिस्टर करना कर रही हैं वो लोग उसको देखते हुए उनसे कंप्लेन भी की जा सकती है, ये उनके प्रेरोगेटिव बस। उससे मैं बताऊंगा कि हर सूबे में नॉर्मस बॉडीज जो हैं टेस्टों की, आपने मुझे बात की ना वो मैं आपको बताता ये चलूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टेस्ट किट्स और वो आ गई, वो नहीं था जो उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकता क्वालिटी कंट्रोल को। आप जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आपको जाहिर है जिसको 2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको नहीं मैच किया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर था, दूसरे भी जितने हैं, इवन गवर्नमेंट का जैसे डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है या हमारी लैब्स हैं, ईसा लेबॉरेटरी, ये पहले से काम कर रही हैं PCR का फॉर BC, और वो इक्विप भी थी, उनके पास मैन पावर भी था, तो वो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, और कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से वैसे मैंने आपसे गुजारिश की डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये केस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नेगेटिव आया था, जो एक खैरपुर का और दूसरी जगहों में टेस्ट हुए थे जो कि गवर्नमेंट लैब ने पॉजिटिव दिए थे मेजॉरिटी। सो बट एनी वेज ऑल सेट एंड डन,
वी ऑल नीड टू इम्प्रूव आवर क्वालिटीज, वी ऑल नीड टू बी एथिकल, हम सबको बेहतर की तरफ काम करना चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि वो भी मिलके सपोर्ट करें ऐसे इंडेवर्स को जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं, कि मिलके जो है एक पॉजिटिव हम कंट्री को आगे ले जा सकें। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, वी ऑल नीड टू पुट ऑल आवर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीसा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जैसा कि डॉक्टर साहब ने खुल के हर चीज़ का तबसरा किया है और ही इज़ वेरी होपफुल एज ऑलवेज हैज बीन, ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो वो बड़े होपफुल हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर होंगे और इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है और मैं ये समझता हूँ वो जो उन्होंने कंडीशन लगाई है वो बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ये कहा है कि आवाम जो है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। असल में तो प्रॉब्लम इस मुल्क का यही रहा है शुरू से कि अवाम जो है वो जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर रहे, और जब जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहे तो हुकूमत जो है वो चाहे कितनी भी एफर्ट्स कर ले तो उसमें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम पेश आते रहेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि मैन मेड भी हो सकता है, लेकिन ये जो सारी दुनिया में फैला है और ऐसे एपिडेमिक पहले भी आते रहे हैं, तो बहरहाल इसका वैक्सीन तैयार हो रहा है एंड ही इज़ होपफुल कि इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाएगा। दूसरा उनका ये कहना है कि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो बड़ा नेगेटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हैं, और उसकी एक वजह यह भी है कुछ डेडिकेटेड लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो ह्यूमनिटी को सर्व करना चाहते हैं, तो वो उनको सिर्फ ये लालच होती है कि मरीज़ जो आया वो किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए। दूसरा लैब रिपोर्ट्स को उन्होंने बड़ा खुल के बात की है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जाहिर है ईसा जो लैब्स हैं उनका अपना एक नाम है और उनकी बड़ी एक्यूरेट रिपोर्ट्स होती हैं, और बड़े जो हॉस्पिटल हैं हमारे पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है कि अब लोग जो हैं उधर अब जाना कम हो गए हैं और ये जो हमारी लैब्स हैं इसके ऊपर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। एक अच्छी बात है। बहरहाल ये इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह अवाम की ताकत के साथ, अवाम के कोऑपरेशन के साथ ये मसले जो हैं ये हल हो जाएंगे, लेकिन हमें एहतियात की ज़रूरत है। जो सुबह शाम आप टीवी पे देखते हैं आपको धोना है, 10 मिनट ये करना है, 10 सेकेंड इसको करना है, तो वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो ये एक बड़ा पुराना मकूला है। तो लेट्स होप कि हमारे अवाम जो हैं वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, और अगर कोऑपरेट करेंगे तो इसी तरीके से मार्केटें चलती रहेंगी, आबाद होती रहेंगी, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर कम आएगा। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मुल्क जो है वो बहुत कर्जों के बोझ के नीचे दबा हुआ है और हम मजीद कर्जे बर्दाश्त नहीं कर सकते, दैन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स बिग प्रॉब्लम एंड टूवर्ड्स डिफॉल्ट, जो कि हमें अवॉइड करना है। और वो उसी तरीके से हो सकता है कि जब हमारे अवाम जो हैं वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बंद होनी चाहिए, और ये सिंध की और जो सेंटर की आपस में गोलाबारी होती है रोज़ शाम को, मेरा ख्याल है इसको बंद होना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। इससे किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता बल्कि नुकसान का ज़्यादा अंदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया।